आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मार्केट प्रेडिक्शन में। सो दोस्तों, आज का जो मार्केट रहा 11,153 जो कि निफ्टी रहा है, और सेंसेक्स की बात करें तो 37,734 यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी लो दिखाया गया है, दिखाई रहा है, क्योंकि काफ़ी मार्केट का जो लेवल है काफ़ी नीचे गिर चुका है अभी, और काफ़ी यहाँ पर उभरने में टाइम लगेगा। तो कंडीशन ये रहेगी दोस्तों कि यहाँ पर आपका जो अपने वॉच लिस्ट में जो मैंने शेयर जोड़े हुए हैं उनके हिसाब से मैं बता दूं यहाँ पे, तो अधिकतर जो है रिजल्ट यहाँ बहुत बेकार से यहाँ दिखाई देने को मिल रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज ऐसे कुछ ट्रिक्स और टॉपिक जो आपकी न्यूजबल रहते हैं, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सजेशन दे के या फिर यहाँ पर आपको बताते रहता हूँ। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ बता रहा है कि आपने TCS के शेयर जो मैंने बताया थे पिछले वीडियो में, कि आपने अगर TCS के शेयर ख़रीदे हैं तो अभी उन्हें होल्ड करके रखिए, या फिर आपने उस टाइम ख़रीदे थे जब मैंने बताया था कि इसको 2325 या फिर 2300 को चल रहा था, उस टाइम मैंने बताया था, उस टाइम ख़रीद के रखते तो आज शायद आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता। और जब मैंने वीडियो बनाया लास्ट टाइम 2400 पे भी, उस टाइम भी बताया था मैंने कि आपने इसको 2520 में या फिर आराम से 2525 में बेच सकते हैं। तो वहीं बात करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं रिटर्न। आप आज भी जब मार्केट पूरा डाउन गया फिर भी आपको यहाँ पे TCS जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो बात करें हम कोरोना की, तो कोरोना की वैसे इसके अंदर इसका ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। वही बात करते हैं फ्यूचर रिटेल की, तो इसके अंदर मैंने कहा कि कुछ दिनों में इसका बढ़त मिलेगी, पर मार्केट का एकदम से गिर जाना इसके लिए वही रहा जो पहले रहा। ऑलरेडी ये जितना गिरना था उससे भी ज़्यादा, अभी यहाँ पे 90 जो कि बहुत ज़्यादा नीचे है, इसका मिनिमम जो है वही रहेगा, बहुत नीचे गिरा है। और यहाँ पे बात करें सुदर्शन केमिकल की, जो मैंने बताया था कि ये लगभग 500 से ऊपर जाने का वाला शेयर है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया था इसी वक्त जो मैंने बताया उसी के बाद, काफ़ी यहाँ रिटर्न भी पाया था इसने, और 515 कुछ ऐसे गया। बात करें यहाँ आज के मार्केट की, तो यहाँ पे काफ़ी लो यहाँ पे दिखने को मिला। तो बात करूँगा अभी आपके बाइंग अपॉर्चुनिटी है लंबे समय के, वैसे ही मैं जैसे कहता रहता हूँ कि लंबे समय का आप रखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको, जैसे कि अभी तक मेरे को प्रॉफिट हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। IGL की बात करते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपने 390 या 395 में कुछ ख़रीद को रखना है, वहीं आपको ये 410 में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, अगर आप इसे अभी भी यहाँ पे ख़रीदते हैं तो आराम से 425 या 420 ही आप जाने की उम्मीद रहती है। सो आपने अभी तक नहीं ख़रीदा है तो ये शेयर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा। इंटरडे में करते हैं तो इंटरडे में बच के रहिए, क्योंकि अभी इंटरडे लाइक नहीं है शेयर। अभी बात करते हैं 2 हफ्ते बाद की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक आपसे बाई करके रखिए, आराम से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। SSW जो एक काफ़ी अच्छा शेयर मैंने बताया कि आराम से 500 तक जाने की उम्मीदें हैं, वैसे ही अभी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, काफ़ी अच्छा शेयर है, आपने इसे बाई करके रखना है। और यहाँ पे बात करें यस बैंक की, तो यहाँ कुछ खास रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा, 13.20 जो है आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आप इसे बाई करके रखिए, अगर जैसे ये 15, 15.5 या 16 जाता है आपने इसे बाय सेल कर देना, बिकॉज ये इसी के बीच अभी ट्रेड करता रहेगा, और इसके लिए कोई अभी कोई खास न्यूज़ जो है अभी नहीं है। तो यहाँ पे सारा कुछ शेयर का मैं जो है यहाँ पे लिमिटर्स में बताता रहता हूँ। और बात करें यहाँ पे, तो वीडियो पूरा देखना, बोरिंग नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपके लिए छूट जाती हैं वो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सो रहेगा इंडसलैंड बैंक, तो यहाँ पे इंडसलैंड बैंक के थ्रू एक जो अच्छी न्यूज़ जो है वो अभी नहीं है, बिकॉज कुछ टाइम पहले जो है अच्छी न्यूज़, तो मेरे हिसाब से यही रहेगी कि आप इसे बाई करके रखिए, जैसे ये 625-620 या आराम से आने वाले टाइम पे लगभग 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ देखने को मिल सकता है। कितना रिटर्न जो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ITC यहाँ पे भी बिल्कुल लो में है, जबकि आराम से अच्छे खासे रिटर्न ये देता है, और अच्छा आपको अच्छा वाला डिस्काउंट जो है देता रहता है यहाँ पे। जसवाल स्टील की जब बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे
रिटर्न देगा, पर इसमें मैंने बताया था कि मैं इसे हटा दूंगा यहाँ से वॉच लिस्ट से, तो मैंने आने वाले कुछ दिनों में शायद हटा दूँ इसको। मैं देख रहा हूँ कि इससे कुछ प्रॉफिट निकाल। सो यही कुछ शेयर है मेरे फंडामेंटली जो कि काफ़ी स्ट्रांग मानता हूँ मैं, या फिर कुछ ऐसे शेयर जो निजीबल रहते हैं और काफ़ी चर्चिस रहते हैं जो कि न्यूज़ में चलते रहते हैं, और उनकी वजह से ये काफ़ी इनमें भगदड़ या फिर ऐसे ऊपर नीचे जो है इस मार्केट का हाल जो है इनसे पूरा क्लियर हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसके लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।